दरभंगा एयरपोर्ट से नवंबर में उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से आने वाले मिथिलांचल के लोगों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। इस बार छठ पर्व पर लोग पटना नहीं सीधा दरभंगा एयरपोर्ट पर उतरेंगे। शनिवार को केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और ऐलान किया कि 30 सितंबर से ही विमानों में बुकिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव से पहले एयरपोर्ट की सौगात, दरभंगा से दिल्ली की सीधी उड़ान, 30 सितंबर से बुकिंग, नवंबर से फ्लाइट। तो छठ से पहले मिथिलांचल वासियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। जी हां, दरभंगा से फ्लाइट सुविधा की सौगात मिल सकती है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शनिवार को निर्माणाधीन दरभंगा एयरपोर्ट का जायजा लेने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने दरभंगा एयरपोर्ट में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की और इसकी कार्य प्रगति की रिपोर्ट ली। ये एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। खास करके इस इलाके में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इथला क्षेत्र में, तो स्पाइस जेट जिसको उड़ान में शामिल किया गया था दरभंगा के लिए, वो दिन में 3 फ्लाइट, दिल्ली दरभंगा, मुंबई दरभंगा और बेंगलुरु दरभंगा, ये नवंबर के पहले हफ्ते से चालू हो जाएंगी। इसके लिए बुकिंग सितंबर 30 से पहले ही हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दरभंगा एयरपोर्ट को विकसित कर रहा है। 1400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैले इस हवाई अड्डे के अंतरिम टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 6 चेक इन काउंटरों वाला टर्मिनल भवन सभी आवश्यक यात्री सुविधाओं से लैस है। उड़ान सेवा शुरू करने से पहले 30 सितंबर से ही टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। साथ ही दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए रोज हवाई सेवा उपलब्ध होगी। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के पहले सप्ताह में उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। बेंगलोर दरभंगा से मुंबई, दरभंगा से दिल्ली, स्पाइस जेट इसी माह में इसको टिकट बुकिंग का कार्य जारी चालू करेंगे और आने वाला नवंबर के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से हवाई सेवा यहां से बहाल हो जाएगी। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से उत्तर बिहार के करीब 22 जिलों को फायदा मिलेगा। उन्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए पटना का रुख नहीं करना पड़ेगा और न सीमांचल वासियों को बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट जाना होगा। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। देवघर से नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज देवघर एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने एयरपोर्ट का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने एयरपोर्ट टर्मिनल, डीआरडीए प्रोजेक्ट और रनवे का भी जायजा लिया। उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ने पौधारोपण भी किया। इस दौरान गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौके पर मौजूद रहे। उड्डयन मंत्री ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट के निर्माण का काम 80% हो चुका है। एक सप्ताह के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी से मंथन कर उद्घाटन डेट बताया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि देवघर एयरपोर्ट में नवंबर के पहले हफ्ते में उड़ान भरना शुरू हो जाएगी। और ये टर्मिनल बिल्डिंग तो बनी रही है, वो दिसंबर के आखिर तक वो पूरी हो जाएगा। कुछ और भी काम है हमारा, वो सब उसके हम टाइमलाइंस जो है अगले हफ्ते के में दिल्ली में सचिव और चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी अध्यक्ष वो मीटिंग करके हम उनको अनाउंस कर देंगे। पर ओवरऑल ये है कि नवंबर के पहले हफ्ते से कुछ फ्लाइट यहां से शुरू हो जाएंगी। और मैंने जब इनसे बात की, हमेशा उन्होंने कहा और टाइमलाइन दे दिया, यदि कोविड नहीं होता तो मैं आपको ये कह सकता था दावे के साथ कि सितंबर अक्टूबर में जो है ये चालू हो जाता, लेकिन अभी भी मात्र 1-1.5 महीने का ही डिले हो पाया कोविड के कारण। ये खुद से विजिट करने के लिए आए हैं, तो नवंबर पहले सप्ताह में जब हो जाएगा तो आप इस क्षेत्र के लिए कितना बड़ा वरदान होगा आप खुद से अनुभव कर सकते हैं। 4 से 5 करोड़ लोग यहाँ आते हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकती।